नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 0.55 प्लस 0.8j प्लस सी के इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोला गया है, तो इसका मतलब हुआ कि इस वेक्टर की जो मॉड वैल्यू है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो हम लोग कैसे, जैसे कोई भी वेक्टर, अगर ए वेक्टर गिवन है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो अगर हमें उसका मॉड ए 1 दिया हो या कोई भी मैग्नीट्यूड दिया हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट, तो ये है मॉड। अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी ये हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और उसके जो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स हैं उनको 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 549.089 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, दैट इज इक्वल टू 0.11। तो सी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 11/100, यानी सी की वैल्यू आएगी √11/10। ठीक है, और सी यहाँ पर जो है प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी अगर वेक्टर दिया है और बोला जा रहा है ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट लिखते हैं लेकिन स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है खत्म हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और जो अननोन था क्वांटिटी उसको निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ फॉर टू वेक्टर्स एल एंड एम इट इज गिवेन दैट सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू एल वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन एल एंड एम। ठीक है, तो हम इसे कोई वेक्टर एल मान लेते हैं, इसका मतलब जो सम है और जो उसके इंडिविजुअल वेक्टर्स है वो सभी क्या है, एल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एल स्क्वायर, ये सब भी एल ही हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम, ये भी एल हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस cos थीटा। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हो गया इन दोनों के बीच में जो पूछा गया। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते दूसरे तरीके से, क्योंकि दो वेक्टर का सम दिया गया और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिया गया, हमें मालूम है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग ऐड करें तो ये जो है थर्ड वेक्टर होगा। अगर ये एल वेक्टर है और ये एम वेक्टर है तो ये वेक्टर होगा एल वेक्टर प्लस एम वेक्टर, और इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या होता है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा गया है, तो हमेशा जब भी एंगल निकाला जाता है तो हमें टेल और टेल को मिलाना होता है। तो ये रहा एम वेक्टर, और L वेक्टर का देखिए आप यहाँ पे टिप है, तो इसको अगर यहाँ लेके आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर एंगल 60 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा,
120 डिग्री, तो दोनों एंगल्स के दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120। ये हम लोगों ने दूसरे मेथड से निकाला, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था वेक्टर एडिशन का मेथड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफिकली या ज्योमेट्री को यूज करके इस क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहां पे पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स हमें दिए गए हो और उनके बीच में एंगल निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है कि आई और आई को मल्टीप्लाई करना है, जे और जे को मल्टीप्लाई करना है, और के के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम लोग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ये दूसरे का भी ऐसे स्क्वायर कर देंगे, आई का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो गया 18 8 26 6 32। ठीक है, और अंडर रूट 16 और 9 25 25 प्लस 36। ठीक है, तो 25 6 कितना हो गया 31 61 हो गया ये। ठीक है, और ये आप देख लीजिए आपका 4 प्लस 9 13 और 13 4 17। ठीक है, तो ये आ गया cos थीटा, यहाँ से तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 32 डिवाइडेड बाय √61 √70। ठीक है, तो क्लियर, ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a b cos थीटा। ठीक है, वहां से ये cos थीटा हम लोगों ने इधर भेज दिया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सभी को हमेशा आते रहने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है 2 forces of 40 newton इन हॉरिजॉन्टल प्लेन आर एक्टिंग ऑन अ 5 kg मास, ठीक है, एन एंगल 60 degree विद ईच अदर, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए जो क्वेश्चन यूज होगा वो ये है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, तो एफ नेट वेक्टर जो है, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर लग रहे हैं, दो फोर्सेस हैं, देखिए 40 newton और 40 newton, तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, तो पहले हमें नेट फोर्स निकालना है, तो यानी एफ नेट जो निकलेगा वो होगा एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर को सम करना है, अगर दो वेक्टर सेम हो तो फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं कि 2f cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए, अगर दो वेक्टर इक्वल है, ठीक है, और उनको ऐड करना हो तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन से हम लोगों को ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2f कितना है 40 और 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया 80 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो यहां से आ जाएगा 40√3। ठीक है, ये एफ नेट है, तो क्योंकि दोनों फोर्सेस हम लोगों ने ऐड किया है, तो यहां से ये एफ नेट की वैल्यू जो है वो आ गई 40√3। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर एफ इज इक्वल टू एम ए यूज करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो एम हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, एम 5 kg है, तो यहाँ पर 40 इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो 40√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40√3 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो ये यहाँ से डिवाइड हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 80√8√3।
ठीक है, ये मॉडुलस है, 8√3 क्या है, मॉडुलस है, तो जो वी और यहां पर जो फोर्स ये जो नेट फोर्स आ रही है जिसकी वैल्यू क्या आई है 40√3, ठीक है, और उसका एंगल जो होता है जब दोनों फोर्सेस इक्वल होती है तो जो एंगल होता है वो होता है θ/2, जो tan जो थीटा हो जो एंगल होता है वो होता है θ/2, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए हमें एंगल भी बनाना चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8√3 एट एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक, तो समझ में आ गया। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो सब बच्चों को आनी चाहिए वो ये फॉर्मूला है कि r इज इक्वल टू 2f cos θ/2, इससे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और जो एंगल होता है वो जो भी थीटा दिया रहता है वो उसका हाफ हो जाता है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है याद रहना फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, बॉडी प्लेस्ड एट 4, 3, 1 इज डिस्प्लेस्ड टू अनदर पॉइंट 5, 2, 4 बाय अप्लाइंग अ फोर्स वेक्टर, ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है और फोर्स के वेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर, ठीक है, तो ये फोर्स वेक्टर और ये डेल्टा एक्स वेक्टर है यहाँ पर। तो डेल्टा एक्स वेक्टर कैसे निकलता है, डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनको, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम लोग, 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5i माइनस 4i, आई वेक्टर 2j माइनस 3j कितना हो गया माइनस जे, 4 माइनस k कितना हो जाएगा 3k वेक्टर, ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा एक्स वेक्टर। अब डब्ल्यू जो है वो है एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स यानी कि आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 4 वेक्टर को इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग आई माइनस जे प्लस 3k, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें आई आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जे जे के कोफिशिएंट और के 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 को, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा प्लस 1, 4 3 12, तो ये कितना हो गया 14 जूल, ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया, ठीक है, तो वर्क डन आप देखिए ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट का अप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए फिर उसको फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं वो वेक्टर होता है। यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट निकाला हम लोगों ने ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो ए क्रॉस बी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए ये हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट इसको जो है बोलते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे एक नई ट्रिक के साथ करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ आप लिखिए i j k वेक्टर, ठीक है, उसके नीचे आप एक वेक्टर लिखिए क्योंकि a क्रॉस b निकालना है हमें, तो 2 माइनस 4 1, ठीक है, और फिर b वेक्टर हम लोग लिखेंगे उसके कोफिशिएंट 1 4 3, ठीक है, फिर से ऐसे हम लोग कर देते हैं, फिर यहाँ पे दोबारा से ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 4 1, फिर से 1 4 3, ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस 4 1 1 4 3, ठीक है, फिर क्या करना होता है, आई के डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनको लेना है, इधर भी जो आई के डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको लेना है, इधर जे के डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनको लेना है, इधर भी जो जे के डायगोनल एलिमेंट्स हैं
उनको लेना है। फिर जो के डायगनल होंगे उनको लेना होगा, और इधर भी जो के डायगनल होंगे उनको लेना होगा। फिर अब हम देखते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। तो ये आई वेक्टर है, तो आई के डायगनल वालों को मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस फोर इंटू थ्री कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व। इनको जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये आ रहा है फोर, फोर इंटू वन, उसमें माइनस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हमें जे को पॉजिटिव ही रखना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, वन इंटू वन वन हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, थ्री टू जो सिक्स, तो इस तरह माइनस करेंगे, जब इस साइड करेंगे तो माइनस करेंगे। प्लस के वेक्टर, के में डायगनल में देखिए टू फोर जा एट, इसको पॉजिटिव लेना है, और इधर की तरफ माइनस लेना, तो माइनस फोर आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फोर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो माइनस सिक्सटीन आई माइनस फाइव जे, और ये हो गया ट्वेल्व के, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से करने से बहुत फास्ट हो जाएगा ये, मुझे मैंने आपको अभी समझाया इसलिए इतना टाइम आपको लग रहा होगा। तो आप देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ, आई जे के आप लिखिए, फिर कोफिशियंट्स लिखिए उसके, फिर वैसे इधर लिख दीजिए, फिर इधर लिख दीजिए, फिर डायगनली आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए, जब आप इधर राइट साइड में करेंगे तो पॉजिटिव, इधर करेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। फिर ऐसे ही ये बहुत जल्दी किया जा सकता है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ही फास्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेडियस आर दिया गया, फाइंड द पाथ लेंथ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है और दूसरा पाथ लेंथ निकालनी। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि ये पाथ लेंथ है, ठीक है, ये है पाथ लेंथ, ठीक है, ये डिस्टेंस है, कोई भी चलेगा तो वो यही डिस्टेंस यहाँ पे लेके चलेगा, इसको पाथ लेंथ बोला जा रहा है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे, ठीक है। तो ए बी ये जो है, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं और इसको मैं डी से, तो ये है पाथ लेंथ, दिख रहा है आपको। पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है, आप उसी पाथ पे चलिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, क्लियर है आपको। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको जोड़ रहा हो, और पाथ लेंथ क्या है, जो ये हम चलेंगे यहां से ऐसे ऐसे चलेंगे, जो भी पाथ आएगा उसको सम करना होगा, ठीक है। तो अभी आपको निकालना है डिस्टेंस या पाथ लेंथ यानी डी। तो डी के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला होता है कि आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा, वो होता है रेडियस इनटू थीटा। पर ध्यान रखिए यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होता है, रेडियन एंगल मेजर में होता है, तो डी यहां पर आएगा आर थीटा यानी पाथ लेंथ, ठीक है। तो पाथ लेंथ जो है वो आएगा आर थीटा, ठीक है। अब आप सर्कल में अगर देखिए तो ये जो ए बी है, ए बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं था, ए बी लेंथ जो थी, ठीक है, वो लेंथ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो यहां अगर हमें ये निकालना है ए बी जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर हम लोग इसको कैसे निकालें, क्योंकि हमें ये कॉर्ड की लेंथ निकालनी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे कॉर्ड पर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये थ्योरम है जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालो तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, और इवन ये जो एंगल होता है ये भी बाइसेक्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे जो एंगल आया वो थीटा बाय टू है, ठीक है, और ये आर है। अब आप देखिए ये हमें निकालना, ये थीटा है, ठीक है। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कल के वीडियो लेक्चर्स आपने अगर देखा हो तो क्या बताया था कि यहाँ पर
अगर हम लोग बेस लेते हैं तो वो कॉस थीटा होता है, और अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर साइन होता है। तो देखिए थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होती तो वो साइन होगा, साइन थीटा बाई टू, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, साइन थीटा बाई टू, तो वो हो गया आर साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो आर साइन थीटा बाई टू हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको पहले बोला था कि ये बाइसेक्ट हो जाता है, यानी जो ए बी होगा वो इसका ट्वाइस होगा, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका पाथ लेंथ। ठीक है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो जाए, अब आपको मान लीजिए चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत, तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे सोचे कि ये थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, तो यानी टू आर इंटू थीटा बाई टू हो जाएगा। तो देखिए तो ये जब बहुत 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 पास जाएगा तो डी ही बन जाएगा, जब ये थीटा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये जो चीज है ये यही बन जाएगी, तो यही आंसर आना चाहिए। तो देखिए आप वही आ गया आर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है वो सही है कि नहीं।